गुड मॉर्निंग क्लास दोस्तों, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे थे। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग ओशनोग्राफी देख रहे थे, समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान में हम लोग देख लिए थे जलधारा क्या है, और उसमें देख रहे थे जलधारा की उत्पत्ति। तो जलधारा उत्पत्ति के कुछ कारण देखे थे हम लोग, इसमें प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो जिसमें से प्रमुख कारण थे जलधारा की उत्पत्ति, महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति, महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं हम उत्पत्ति पे थे कुछ कारण। जिसमें हम लोग पहले देख रहे थे कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। इसमें दूसरा था तापमान। तीसरा इसमें लवणता, लवणता। ठीक है, चौथे में देखेंगे लोग वर्षा, पांचवे में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व। छठे में वायुदाब, और सातवें में देखें हम लोग बर्फ का पिघलना। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आप लोग के बताए थे कि लवणता के बारे में, ठीक है, बट आज हम लिखेंगे लवणता। ठीक है, तो महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण है, जिनमें से देखेंगे हम लोग लवणता आज। ठीक है, अब देखते हैं लवणता क्या है। महासागरीय जल में, महासागरीय जल में, महासागरीय जल में घुलित रूप में, घुलित रूप में विद्यमान लवण को लवणता कहते हैं। ठीक है, महासागरीय जल में घुलित रूप में विद्यमान लवण को लवणता कहते हैं। लवणता जो होती है वो ग्राम प्रति हजार में मापा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि लवण क्या है। महासागरीय जल में विद्यमान, विद्यमान कैसे, घुलित रूप में जो विद्यमान होती है वो होती है लवण, होती है लवणता होती है। और इसको मापा जाता है प्रति ग्राम प्रति हजार में। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, दो जगह लेते हैं। ठीक है, दो जगह कौन कौन सा है, जगह लेते हैं एक ए है और दूसरा जगह कौन सा है, बी है। ठीक है, ए महासागरीय जल है, ये महासागरीय जल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बात किया हम लवण का। ठीक है, तो लवण की बात करते हैं कि लवण के कारण से महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है। अब देखिए यहाँ पे लवण है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जगह ए है वहाँ पे बी है, तो पहले ए की बात करते हैं। यहाँ की लवणता, यहाँ की जो लवणता है वो क्या है, अधिक है। ये अधिक का सिंबल है। ठीक है, अगर यहाँ की लवणता अधिक है, तो लवण यहाँ का अधिक है, तो यहाँ का जो पानी है, जो समुद्री जो जल है, उसकी जो सांद्रता अधिक होगी, उसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। ध्यान समझिएगा, अगर पानी में लवणता अधिक होगी, लवण अधिक होगी, तो उस जल का सांद्रता क्या होगा, अधिक होगा। और जल की सांद्रता अधिक होगा तो जल कैसा होगा, गाढ़ापन क्या कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, जब पानी का जब गाढ़ापन अधिक होगा तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, इसकी प्रवृत्ति होगी नीचे बैठने की, नीचे बैठने की। ठीक है, क्या होगा, जब लवणता अधिक होगी तो सांद्रता उसकी भी अधिक होगी,
सांद्रता अधिक होगी तो जल कैसा होगा, गाढ़ापन अधिक होगा। तो इसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, जल नीचे की ओर बैठेगी। ये रहा ए। बी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी लवणता क्या होगी, अगर अधिक होगी, ठीक है, यहाँ की लवणता क्या है, अधिक नहीं कम, इसकी लवणता क्या है, कम, ठीक है। अगर लवणता कम है तो इसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। अगर सांद्रता कम होगी तो इसके जो गाढ़ापन है पानी का, ठीक है, तो गाढ़ापन भी क्या होगा, कम होगा। और गाढ़ापन अगर कम होगा तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इसकी प्रवृत्ति होगी ऊपर उठने की, ऊपर उठने की, ठीक है। अब देखिए एक तरफ से, एक तरफ से जहाँ पे लवणता कम है वहाँ से जल ऊपर उठ रही है, और जहाँ पे लवणता अधिक है वो जल नीचे की ओर बैठ रही है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ से हो गया, यहाँ का जो जल है, यहाँ का जो जल है वो क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, और यहाँ का जो जल है वो क्या होगा, नीचे बैठेगा। अब देखिए इसका जो जलधारा होगा, जलधारा कैसा होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, अब समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कैसे हो रहा है, इधर से जल उठेगी, ठीक है, तो जल उठेगी, पानी जब उठेगी तो क्या होगा, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर, जब इधर से उठ रहा है, जब अधिक हो रहा है तो इधर बैठ रहा है, तो अधिक से कम की ओर होगा, ठीक है, ये आप यहाँ समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे एक देखिए, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। ये देखिए यहाँ से निकल जा रहा है 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। अब यहाँ देखिएगा, अगर बात करें यहाँ पे विषुवत रेखा पे, बात करें विषुवत रेखा पे, आपका विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पे बात करें तो इसकी लवणता क्या होगी, लवणता इसकी कम होगी, यहाँ पे क्या होगी, लवणता कम होगी। अब लवणता क्यों कम होगी, चूँकि यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ पे वर्षा होती रहती है, तो वर्ष भर वर्षा अधिक होने के कारण से यहाँ पे स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है, स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है, जिसके कारण से यहाँ की सांद्रता कम होगी। यहाँ समझिएगा एक बार, अगर लवणता क्या है, लवणता कम है, तो लवणता कम है तो ऑफकोर्स बात है सांद्रता क्या होगी, कम होगी, सांद्रता क्या होगी, कम होगी। जब सांद्रता कम होगी तो गाढ़ापन क्या होगा, गाढ़ापन इसकी भी कम होगी। जब गाढ़ापन इसकी कम होगी तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इसकी प्रवृत्ति होगी ऊपर उठने की, ऊपर उठने की, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, ऊपर उठने की। तो क्या होगा, जल स्तर अधिक होगा, जल स्तर अधिक होगा, ठीक है, तो जल स्तर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। वही बात करें जहाँ पे लवणता कम होगा, जहाँ पे लवणता कम होगा तो जल स्तर कम होगा, जहाँ पे जल जहाँ पे लवणता कम है वहाँ पे जल स्तर अधिक होगा, और जहाँ पे लवणता अधिक है वहाँ पे जल स्तर कम होगा। तो देखें यहाँ जहाँ पे लवणता कम है वहाँ पर जलस्तर अधिक है, और जहाँ पे लवणता अधिक है वहाँ जलस्तर कम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अटलांटिक महासागर हो गया, तो इधर से जो यहाँ से क्या आएगी, यहाँ पे जल स्तर अधिक है तो यहाँ से जलधारा आएगी
तो कौन सा जलधारा आएगी? ब्राजील की जलधारा, यहाँ पे ब्राजील है ठीक है, तो ब्राजील की जलधारा ठीक है। यहाँ देखिए गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से आ रहा है गल्फ स्ट्रीम ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है गल्फ स्ट्रीम। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें सी लेवल का, सी लेवल तो सी लेवल क्या है? अधिक है, यहाँ पे पानी का जलस्तर अधिक है। तो जलस्तर क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ का लवणता कम है। आपको बता चुके हैं जहाँ पे लवणता कम होगी वहाँ जलस्तर अधिक होगी, और जहाँ पे लवणता अधिक होगी जलस्तर कम होगी ठीक है। तो यहाँ पे लवणता कम है और सी लेवल अधिक है जिस कारण से ये उठ रही है। अब बात करें इधर यहाँ पे, तो सी लेवल क्या हो यहाँ पे? कम होगा। और यहाँ पे भी बात करें सी लेवल जलस्तर, तो यहाँ पे भी क्या होगा? कम होगा। आप यहाँ बात समझिए, यहाँ पे कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है ठीक है, और वाष्पीकरण अधिक होती है ठीक है। तो वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होती है जिसके कारण से 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे ठीक है, इस अक्षांश को कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र क्या कहते हैं? 20 से 30 डिग्री जो अक्षांश है उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे वायु का अवतलन, अवतलन मतलब कहने के सेंस मतलब यहाँ पे वायु बैठती है, बैठ जाती है, बैठती है ठीक है। क्या होता है 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में यहाँ पे वायु का अवतलन होता है। क्या होता है? वायु का अवतलन होता है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे सी लेवल कम क्यों होती है। तो सी लेवल कम होने के कारण यही है कि यहाँ पे वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होती है ठीक है। वाष्पीकरण जो अधिक होती है जिस कारण से 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायु का अवतलन होता है ठीक है, वायु वहाँ पे बैठ जाती है। अब यहाँ इस कारण से यहाँ पे यहाँ का सी लेवल क्या हो गया? कम हो गया। और यहाँ पे सी लेवल हो गया आपका अधिक हो गया। तो सी लेवल अधिक और यहाँ पे है और यहाँ पे सी लेवल कम है, तो जो जलधारा जो है वो अधिक से कम की ओर होगी। तो यहाँ पे विषुवत रेखीय क्षेत्र में यहाँ पे जो होता है जल लेवल क्या होता है वो अधिक होती है और लवणता कम होती है। लवणता कम होने का क्या रीजन है? विषुवत रेखा पे चूंकि यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, वाष्पीकरण सबसे अधिक यहाँ पे होती है क्योंकि सूर्य का जो किरणें होती है वो डायरेक्ट पड़ती कहाँ? विषुवत रेखा पे, जिस कारण से यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और यहाँ वर्षा साल भर वर्ष भर होती रहती है जिसके कारण से यहाँ पे स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, जिस कारण से यहाँ की लवणता क्या होती है? कम होती है। और लवणता कम होगी तो यहाँ पे जल स्तर अधिक होगा, इसलिए विषुवत रेखा रेखीय क्षेत्र में लवणता कम होती है और यहाँ का सी लेवल अधिक होती है ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि लवणता के कारण महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति का जो कारण जो होगा वो हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन देखेंगे ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ठीक है।